बनाएंगे मार्केट में आई हुई जो फ्रेश बेर है उस बेर की मीठी चटनी। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है बेर, सरसों का तेल, शक्कर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक, सरसों के दाने। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चटनी के लिए आप कढ़ाई बिठा लें और उसमें डाल लें हल्का सा सरसों का तेल। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप डाल लें थोड़े से राई के दाने। राई के दाने जैसे ही क्रैक करें तो आप इस पे डाल दें जो बेर हम लोगों ने रखा हुआ है वो बेर। इसको अच्छे से मिला लें। दो मिनट इसको ऐसे ही चला के तुरंत इसमें डाल दें आप पानी। अब इसमें आप डाल दें, दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें आप डाल दें पानी। साथ ही साथ इसमें आप डालें थोड़ा सा नमक। इसको मिला लें। अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़े जब तक ये बेर जो है वो पक नहीं जाता। इसमें अब हल्का सा चक्की भर हल्दी भी डाल दें। हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको पकने के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, जो बेर है वो भी फूल गई है और कुछ कुछ फट भी गया है। इसी स्टेज पे ही हम लोगों को डालना है इस पर शक्कर, शक्कर जितना मीठा आपको चाहिए। और इसको अच्छे से इसमें मिला लें और इसको पकने के लिए छोड़े। पूरा शक्कर इसमें घुलेगी और कुछ देर तक ये पकेगा इसी में, शक्कर पानी में। फिर इसको ढक के छोड़ दें। अब देख सकते हैं शक्कर अच्छे से घुल गई है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिख रहा है आपको। इसी स्टेज पे आपको इसको उतारना है। ये बनके तैयार है चटनी। ये खट्टी मीठी बनती है क्योंकि बेर काफी खट्टी होती है और साथ में हम लोगों ने शक्कर का भी यूज किया हुआ है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, गैस बंद कर लें और निकाल लीजिए। बनके तैयार है बेर की खट्टी मीठी चटनी। इसको ठंडा होने के बाद ही परोसे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।